आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और आज बात करते हैं ऐसी खबर की जिसमें गुडलक के लिए प्लेन के इंजन में फेंके गए सिक्के। जी हाँ, चीन में अंधविश्वास की वजह से 80 साल की एक महिला ने विमान पर सवार होने से पहले गुडलक के लिए कुछ सिक्के इंजन की ओर उछाल दिए। चाइना सदर्न एयरलाइंस ने इस घटना की पुष्टि की और इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा किया। महिला ने 9 सिक्के इंजन की ओर उछाले जिनमें से सिर्फ एक सिक्का इंजन तक पहुंच पाया, लेकिन इसकी वजह से विमान में सवार 150 यात्रियों को उतारना पड़ा और विमान रवाना होने में कई घंटे की देरी हुई। ये महिला अपने पति, बेटी और दामाद के साथ शंघाई से विमान में सवार हो रही थी, लेकिन सवार होने से पहले इस महिला की हरकतें कुछ लोगों को संदेहास्पद नजर आई, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। चीन में लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट वीबो पर लोगों ने इस घटना पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। ऐसी ही एक रोचक प्रतिक्रिया में एक यूजर ने लिखा है, दादी अम्मा ये कोई मुराद पूरी करने वाला फव्वारा नहीं है जिसमें कछुए होते हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि विमान के इंजन की ओर सिक्के फेंकने वाली महिला बौद्ध धर्म में विश्वास करती है। वैसे भारत में भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई लोग नदी पार करने के दौरान बस या ट्रेन से नदी में सिक्के डालते हैं।